जय हिंद दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है चैन सिंह और आज हम चर्चा करने वाले हैं खास टॉपिक पर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा। कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि चैनल पर कई सारे कमेंट भी आ रहे हैं और कई लोग सर्च भी कर रहे हैं डेफिनेशन के नाम से कि अर्थशास्त्र की डेफिनेशन क्या है। तो हम क्यों ना एक बार जो डेफिनेशन है सारी उनको कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। तो सबसे पहले हम जो समझने वाले हैं वो समझेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और कौटिल्य को हम सभी जानते हैं कि ये भारत के अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने भारत में अर्थशास्त्र को एक प्रकार से जन्म दिया है। तो अर्थशास्त्र का जो जनक है वो भी इन्हें माना जाता है। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं जिन पर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो शुरू करते हैं और समझते हैं। तो आज की हेडिंग जो है वह है कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कौटिल्य इकोनॉमिक्स। चलिए, तो भारत के अर्थशास्त्र या भारत में अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है या अर्थशास्त्र का प्रणेता कौन है, तो क्या आंसर होगा इसका? इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है कौटिल्य। ठीक है, ये आपका सही जवाब होगा। इसके अलावा कौटिल्य को चाणक्य या विष्णुगुप्त आदि के नाम से भी जाना जाता है, ये चीज भी हमें ध्यान में रखनी है। ये सारी चीजें आपकी पुस्तक में दी हुई हैं, यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो ये चीजें आपको अच्छे से मेमोराइज हो जाती हैं। इसके बाद यदि हम कौटिल्य की बात करें तो ये मौर्य राजवंश के समकालीन थे। कहाँ पर थे? मौर्य राजवंश के समकालीन थे। उस समय जो मौर्य वंश था उस समय की जो आर्थिक स्थिति थी, उस समकालीन जो लिखा हुआ है, समकालीन का मतलब है कि जिस समय ये राजवंश था उसी समय जो आर्थिक समस्याएं थी, जो अर्थव्यवस्था थी, उसका इन्होंने गहन अध्ययन किया। इतना अध्ययन किया कि इनके अलावा भारत में लगभग इस प्रकार का गहन अध्ययन किसी और अर्थशास्त्री ने नहीं किया। कौटिल्य ने तीन चीजों को बहुत महत्व दिया है, एक तो धर्म, दूसरा अर्थ और तीसरा काम। तीनों पुरुषार्थों को इन्होंने समान महत्व दिया है अर्थशास्त्र में, और इन्हीं तीनों के आधार पर इनकी फिर परिभाषा है। तो ये तो एक क्या हो गया कि एक परिचय सा हमने लिख लिया है। ये जो तीन पॉइंट हैं इन्हें यदि आप नोट करके रखते हैं और केवल आपसे पूछ लिया जाता है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, लिखिए, और यदि 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछा जाता है और सिर्फ आप ये डेफिनेशन लिख के आओगे तो फिर ये आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। उसमें से आपको 1 या 2 मार्क्स ही मिलेंगे, लेकिन पूरी हम उसकी विवेचना करते हैं, एक इंट्रोडक्शन देंगे प्रॉपर तरीके से कि अर्थशास्त्र जो कौटिल्य है वह उनका अर्थशास्त्र में क्या महत्व है, कहाँ से वह बिलोंग करते हैं, कौन से राजवंश में उन्होंने ये सब किया था, तो किस आधार पर किया था। जैसे कि समकालीन जो समस्याएं थी, आर्थिक समस्या और उस समय की जो अर्थव्यवस्था थी उसके अनुसार उन्होंने परिभाषा दी है। तो ये तीन जो मुख्य पॉइंट है ये हमें पहले मेंशन कर देना है, किसमें? इंट्रो में, एक प्रकार से उसका परिचय हमें शुरुआत में लिख देना है। उसके बाद जो परिभाषा उन्होंने दी हुई है, अब कौटिल्य की परिभाषा जो उन्होंने लिखी हुई है, कौटिल्य क्या कहते हैं कि मनुष्य के व्यवहार या जीविका को अर्थ कहते हैं। जरा सा यहाँ पर समझना है, ठीक है। अब जैसे कि हम आगे दूसरे अर्थशास्त्रियों की डेफिनेशन देखेंगे या परिभाषा देखेंगे, तो कईयों ने क्या कहा है, अर्थशास्त्र अर्थ है, ठीक है, अर्थ का शास्त्र है, और अर्थ को इन लोगों ने इसका अर्थ बताया है धन से, ठीक है, इसका संबंध किससे कहा है? धन से, ठीक है। अब यदि मनुष्यों के व्यवहार या फिर जीविका को अर्थ कहते हैं, तो मनुष्य जीवन जीने के लिए यानी कि जीवन यापन करने के लिए जो व्यवहार करता है, कौन सा व्यवहार? मनुष्य को मुख्य रूप से उसका क्या व्यवहार रहता है? अपने लिए एक अच्छा जीवन स्तर तलाशना। अच्छा जीवन स्तर तलाशना मतलब कि अच्छा खाने को हो, अच्छा पहनने को हो, अच्छा रहने को हो, तो इसके लिए जो वह काम करता है उसके बदले में भुगतान होता है उसको, उसी से फिर वह जीवन यापन करता है। तो एक प्रकार से ये क्या है, एक व्यवहार है, मनुष्य का व्यवहार है या फिर जीविका है, ठीक है। तो ये जो जीविका होती है, जीवन यापन करने के लिए जो वह काम करता है, जिससे उसको अपनी आवक होती है, उस पर खर्च करता है, उस जीविका को इन्होंने क्या कहा है? अर्थ कहते हैं, ठीक है, क्या बोला है? अर्थ कहते हैं। अब उस समय अर्थ का मतलब जो था इनके संदर्भ में कुछ और था। क्यों? क्योंकि देखिए अभी हम क्या यूज करते हैं? पैसा। जैसे कि अभी हम वर्तमान में रुपया को अधिक महत्व देते हैं, कोई भी काम करेंगे तो रुपया लेते हैं उसके बदले में, लेकिन उस समय इस रुपये का कोई महत्व नहीं था।
उस समय जो स्थिति थी वह अशक्तियों की या फिर दीनार की जो भी स्थिति थी उस समय की स्थिति के अनुसार। अभी अर्थ हम किसको कहते हैं? पैसे को कहते हैं। अभी आपसे कोई पूछे कि अर्थ का मतलब क्या है, अर्थ का यदि अंग्रेजी में कहेंगे तो पृथ्वी होता है, लेकिन हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में क्या होगा? पैसा होगा। जो भी आप अर्थशास्त्र की परिभाषाएं पढ़ेंगे तो उनका अर्थ का संबंध किससे होगा? धन से होगा, पैसे से होगा। लेकिन यहाँ पर अर्थ किसको बोल रहे हैं कौटिल्य? एक मनुष्य का जो व्यवहार है, मनुष्य जीवन यापन करने के लिए जो व्यवहार करता है या फिर जीविका के लिए जो व्यवहार करता है, उसी को ये क्या कह रहे हैं? अर्थ कह रहे हैं। दूसरा, मनुष्यों से युक्त, यानी कि मनुष्यों से युक्त भूमि का नाम ही अर्थ है। अब अर्थ का मतलब यहाँ इन्होंने किसको कहा? जीविका को कहा। अब जीविका या जीविका यापन कहाँ पर होता है? भूमि पर होता है। तो जहां पर मनुष्य होते हैं उसी भूमि को हम क्या कह सकते हैं? अर्थ कह सकते हैं। जहां से व्यक्ति को पैसा मिल सकता है उसी को हम अर्थ कह सकते हैं, यदि हम साधारण सिंपल अर्थ इसका निकालें तो। ये हो गया, यानी मनुष्यों से युक्त जो भूमि है उसी को हम अर्थ नाम से जान सकते हैं। इस भूमि को प्राप्त करने, ठीक है, देखिए अब उस समय क्या क्या स्थिति थी? मौर्य राजवंश था, और राजाओं की यदि हम स्थिति एक प्रकार से नजर डालेंगे, सोचेंगे, यदि हमारे दिमाग में एक कहानी हम बनाते हैं, एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, तो हमारे दिमाग में जब राजा महाराजाओं का जमाना हम सोचेंगे तो यही पाएंगे कि एक राजा होता था, उसके अंदर में मतलब कि उसके जो है राज्य में कई सारी भूमि होती थी जिन पर छोटे छोटे किसान, जो छोटे छोटे किसान है वह खेती करते थे, फिर जमींदार होते थे। इस प्रकार का एक प्रकार से क्या पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है हमारे दिमाग में, जैसे कि हम मूवीज में देखते हैं या फिर कोई धारावाहिक देखते हैं तो उनसे हमारे दिमाग में ये बैठा हुआ है। तो राजाओं के समय में क्या था कि राजा जो होता था वह पूरे राज्य का मालिक होता था, उसकी सेना होती थी, वह राज्य की रक्षा करती थी, और रक्षा करती थी किसकी? मतलब कि उसका धन कहीं और ना जाए, व्यापार कर रहे हैं तो सभी पर मतलब कि एक प्रकार से राजा का ही अधिकार होता था। तो राजा इस भूमि को प्राप्त करने तथा रक्षा करने के उपायों का निरूपण करने वाला शास्त्र, ठीक है। अब यहां से थोड़ा सा हमें समझना है क्या करना है। एक तो इस भूमि को प्राप्त करने, यानी मुख्य रूप से यदि हम देखें तो सबसे अधिक महत्व किसे दिया गया है? अर्थ को दिया गया है एक प्रकार से। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने तीनों चीजों को महत्व दिया है। ये हम जहां भी पढ़ते हैं ये पाएंगे कि कौटिल्य ने धर्म, अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों को महत्व दिया है। इसी कारण से कौटिल्य की कहीं कहीं आलोचना भी होती है कि इन्होंने मुख्य रूप से देखिए किस पर जोर दिया है? अर्थ पर। पहले तो मनुष्य का जो जीवन यापन करने का तरीका है उसको अर्थ कहा है, और उस भूमि को हम अर्थ कह सकते हैं जो मनुष्यों से युक्त हो। अब उस भूमि को प्राप्त करने तथा उसकी रक्षा करने के उपाय, एक तो उस भूमि को प्राप्त कर लिया फिर उसकी रक्षा भी करना है, तो उसकी रक्षा करने के जो उपाय हैं उनको निरूपण करने वाला या उन उपायों को बताने वाला जो शास्त्र है वही क्या कहलाता है? अर्थशास्त्र कहलाता है। ये कौटिल्य की परिभाषा हमें बताती है। इतना समझ लिया, अब बस हमें क्या करना है? जब भी परीक्षा में पूछा जाता है तो मुख्य रूप से ये तीन बिंदु हमें याद रखना है, इनका हमें मेंशन करना है। दूसरा, इनकी जो परिभाषा है इसको हम अच्छे से समझेंगे, और यदि आप इन्हीं शब्दों में इसको याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कौटिल्य के शब्दों में अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है, तो जो परिभाषा पुस्तक में हमें इन्वर्टेड कॉमा में लिखी हुई मिलती है, कहाँ पर फुल स्टॉप लगा हुआ है, कहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, सारी बातों का हमें ध्यान रखना है, और एडिटेड जो परिभाषा है वो लिख के उसको हम अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में उसको नीचे समझा सकते हैं कि किस प्रकार से कौटिल्य ने अपनी परिभाषा को दिया है या किस आधार पर दिया है। इस तरीके से हम अपने आंसर को एक परफेक्ट आंसर बना सकते हैं, और यदि 5 मार्क्स का है तो 5 मार्क्स पूरे प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से हम बाकी जो अर्थशास्त्रियों की परिभाषा है अर्थशास्त्र के संदर्भ में उस पर भी चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं किसी नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।